आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। खबर कानपुर से है जहां सपा युवा पार्षद प्रत्याशी फैजान रहमान ने आज वार्ड 103 परेड में जुलूस निकाला, जिसमें क्षेत्र के सभी वर्ग के लोगों से आशीर्वाद प्राप्त कर जनता से समर्थन देने की बात कही है। तो वही जनता को अपने प्रति पूरा भरोसा भी दिलाया। वही इस जुलूस में मुख्य अतिथि के रूप में सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र मोहन अग्रवाल और सपा के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। साथ ही सपा के युवा प्रत्याशी को आशीर्वाद देकर क्षेत्रीय जनता से समर्थन देने की भी लगातार अपील की जा रही है। दूसरे चरण में निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो अपने दावेदारी पेश करते हुए नजर आए। तो वही फैजान रहमान ने एक भव्य जुलूस निकाला, सपा के नेता इस जुलूस में मौजूद रहे। कानपुर में वार्ड 89 के एमआईएम पार्षद प्रत्याशी नफीस अहमद बाबू भाई के समर्थन में आज प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली कानपुर आए हैं। उन्होंने भाषण के दौरान सभी राजनीति पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी पार्टियों ने सिर्फ मुसलमानों को चुनाव के समय आरक्षण का नाम पर ही राजनीति की है और आरक्षण नहीं दिया है। तो वही जनता से अपने पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट देने की भी अपील की है। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री के नेतृत्व में प्रदेश के कर्मचारियों की राज्य स्तरीय मांगों को लेकर दूसरे दिन भी नगर निगम मुख्यालय फरीदाबाद के गेट पर कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी रहा। प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री के अनुसार अक्टूबर 2022 और अप्रैल 2023 की हड़ताल के दौरान निकाय मंत्री के साथ जो मांगों पर सहमति हुई थी वो आज तक सरकार ने लागू नहीं की है। इसलिए अब आने वाले समय में कर्मचारी 17 मई को प्रदेश के तमाम विधायकों और मंत्रियों के निवास पहुंचकर आदमी और शंख बजाकर उन्हें जगाने का काम करेंगे और फिर आगे के आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। सरकार ने मांगे आप मान ली है सरकार ने, जैसे कि आप सफाई भत्ता को लेकर के आरोप लगाया कि निचले स्तर के कर्मचारी पूरा नहीं कर रहे, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है, हरियाणा सरकार से हमारे नेताओं की बात हुई है, नगर पालिका कर्मचारी संघ की, और 22 अक्टूबर को बात हुई थी और एक पत्र जो है ना 8 फरवरी को जारी किया है। तो जब सरकार ने पत्र जारी किए हैं तो यहाँ के जो प्रशासन अधिकारी हैं वो कुंडली मार करके बैठे हैं, वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। क्या पत्र जारी किए? एक तो कच्चे कर्मचारी को पक्का करने का पत्र जारी कर दिया है, 1000 जोखिम भत्ता का पत्र जारी कर दिया है और तेल साबुन का पत्र जारी किया है और नई पॉलिसी में LTC जो कच्चे कर्मचारी को मिलनी चाहिए वो जारी कर दी है। लेकिन ये सारे पत्र हमने नगर पालिका कर्मचारी संघ के उस पर लगा कर दे दिए हैं, लेकिन इन्होंने आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं। क्यों नहीं कर रही है, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते लोग? टाइम नहीं मिल रहा उनको नेताओं से बात करने का। शास्त्री जी, आज दूसरा दिन है, मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या मांगे हैं, क्या आश्वासन मिला आपको? देखिए, हम पिछले अक्टूबर में भी हड़ताल पर गए थे, 11 दिन हमने हड़ताल करी और अप्रैल में भी हमने आंदोलन किया है, कर्मी भूख हड़ताल करी। अक्टूबर में 11 दिन की हड़ताल के बाद मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई और अप्रैल 2023 में भी मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई। दोनों बैठकों में मांग लगभग एक जैसी ही, कच्चे आदमियों को पक्का करना, हरियाणा कौशल रोजगार निगम। हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस अपराधियों पर लगाम तक नहीं लगा पा रही है। वहीं एक ऐसा ही मामला कौशाम्बी जिले से सामने आया, जहां पर घर के बाहर सो रही महिला की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या करने से सनसनी मच गई है। महिला का चारपाई से कुछ दूर पर ही निर्वस्त्र हालत में शव मिला। महिला अपने परिजनों से अलग रहती थी और अकेली ही घर के बाहर सो रही थी। हत्या की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को अब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल भी लगातार जारी है। हमारी अम्मा हमारे पास 10:30 बजे तक थी, उसके बाद वहाँ से यहाँ चले आए, वहाँ सो गए घर पे और यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं पता। उसके बाद हम सो के सुबह उठे, देखे यहाँ पे मरी हुई। महिला की हत्या क्या जी, थाना पिपरी के ग्राम मुरादपुर में घर के बाहर सो रही एक 55 वर्षीय महिला की
आज भोर में किसी समय अज्ञात लोगों द्वारा उसके गले पर और सर पर चोट पहुंचा करके हत्या कर दी गई है। इस संबंध में मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके से महत्वपूर्ण प्रदर्श उठाए गए हैं और बहुत जल्दी हम इस घटना का अनावरण करेंगे। जो हत्या के विभिन्न पहलू हैं उस पर बारीकी से जांच कर रहे हैं और बहुत शीघ्र घटना का खुलासा करके जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करेंगे। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गौर ग्रीन कट के सामने निजी बस चालक ने पुलिस बैरिकेड तोड़कर यातायात पुलिस के हेड कांस्टेबल को घसीट दिया है। वो उस घटना में बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। वही घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने पीछा कर बस को घेर कर आरोपी चालक को दबोच लिया है। इंदिरापुरम कोतवाली में घायल के बस नंबर के आधार पर चालक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है। तो वही गोंडा में डीएम ने स्ट्रांग रूम का औचक निरीक्षण किया है। मतदान के बाद जिले के सभी नगर निकायों के 323 पोलिंग बूथों की मतपेटियां जिले के 4 स्थलों पर तय मतगणना स्थल के स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की कड़ी निगरानी व्यवस्था भी की गई है। सुरक्षा बलों की निगरानी में कैद मतपेटियों तक परिंदा भी नहीं फटक सकता है और सभी मतपेटियों की सीसीटीवी कैमरे से भी लगातार निगरानी हो रही है। अधिकारी की लगातार व्यवस्था पर भी नजर है। चंदौली जिले के जिला मुख्यालय स्थित महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज के प्रांगण में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का प्रचार प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत मशाल जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें खेल विभाग सहित अन्य विभागों के लोगों द्वारा जुलूस रैली को निकालने का काम किया गया, जिसमें पीडी द्वारा हरी झंडी दिखाकर मशाल रैली को रवाना किया गया। बता दें कि जिले के खिलाड़ियों और अधिकारियों के साथ विद्यालय के अध्यापक और जनपद के अधिकारीगण भी मौजूद रहे और मशाल रैली में प्रतिभाग किया। खेलो इंडिया 2022 यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन उत्तर प्रदेश में पहली बार किया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में किया जाएगा, लखनऊ, बनारस, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर। ये खेलो इंडिया का तीसरा संस्करण है जो यूपी में पहली बार हो रहा है। उसी के प्रचार प्रसार के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने 5 तारीख को मशाल रैली का प्रज्वलित करके पूरे प्रदेश में प्रचार प्रसार के लिए रवाना किया गया है। ये जिले में 8 खबर रायबरेली से है, जहां गंगा नदी के पास जंगल में अचानक एक सांड कुएं में गिर गए, जिसकी सूचना ग्रामवासियों ने प्रभारी निरीक्षक को दी है। वहीं सूचना पर उप निरीक्षक अखिल तोमर घटनास्थल पर पहुंचे, वहां जाकर देखा कि सांड एक गहरे कुएं में गिरा पड़ा है, जिसे चोट भी लगी है। वहीं दारोगा और कांस्टेबल ने ग्रामवासियों की सहायता से ही उसे निकालने का भरसक प्रयास किया, पर वो निकल नहीं पाया। और इसके बाद फिर उप निरीक्षक ने दमकल विभाग और ग्रामवासियों के सहयोग से चुटहिल सांड को सुरक्षित निकाला है। तो वही फरीदाबाद में लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। बता दें कि बिजली सब स्टेशन सेक्टर 47 में बने बिजली सब स्टेशन का विधायक राजेश नागर ने अचानक दौरा किया है। वही कॉलोनी सेक्टर और गांवों को बिजली की कोई किल्लत नहीं होगी। मौके पर मौजूद एसडीओ बिजली विभाग को सख्त आदेश दिए कि गर्मी के मौसम में बिजली की किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए और जो भी काम थोड़ा बहुत बाकी है वो भी जल्द पूरा किया जाए। क्या वजह है, क्योंकि अभी सब स्टेशन पहुँचे हैं, जांच पड़ताल करने पहुँचे हैं, क्या वजह क्या सर? देखो, इसमें जो है ये जो हमारा 60-70% के करीब तो ये इसमें लोड चल रहा है और इसमें थोड़ा लोड जो अभी जैसे फिल्टर का काम चल रहा है और जो गर्मी आएगी तो ओवरलोड जो होगा उसके लिए भी इन्होंने इसके लिए वो रखा हुआ है कि कल को अगर ओवरलोड होता है तो एक ऑप्शन रखा हुआ है कि उसको लोड को डायवर्ट करके इससे चला सकते। आप यहाँ पर काम किस तरीके चल रहा है, कुछ लापरवाही नजर आई या फिर ऐसा आपको लग रहा है कुछ कमियाँ? भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज औरैया पहुंचे। साक्षी महाराज ने बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में अटरू में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें साक्षी महाराज ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि अखिलेश यादव के बयान पर तमंचा पर साक्षी महाराज ने जमकर निशाना साधा और विपक्ष की संज्ञा मेढक से की है। हम मेढक एकजुट हो जाए, लेकिन जब मेढकों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, एक को बैठाओ तो वो टर से करके चला जाता है।
जी ने गंगा में स्नान करता है भगवत कपड़े पहन के, रुद्राक्ष की माला गले में पहन के, हर हर गंगे हर हर। मोदी जी जय श्री राम, अमित शाह जी जय श्री राम, योगी जी जय श्री राम, और हमारे जहां जहां मुख्यमंत्री प्रदेश में हर एक मुख्यमंत्री अपनी सभा में जय जय श्री राम। पत्रकार बंधुओं, भाई और बहनों, भाजपा सांसद ने विपक्ष की जो तुलना है वो एक मेंढक से कर दी है कि अगर एक को बिठाओ तो दूसरा मेंढक टर करके उड़ जाता है। तो बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने यह तुलना की है और उन्होंने कहा है कि जब हम विपक्ष को एक साथ लाने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो एक मेंढक की तरह काम करता है कि वो मेंढक की तरह उछल कर दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है जब भी हम एक को बिठाने का प्रयास करते हैं। तो वही स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में कूड़ा उठाने वाली इको ग्रीन कंपनी को लाखों करोड़ों रुपए देने के बावजूद कूड़े के ढेर लोगों के परेशानियों का सबब बने हुए हैं। बताते चले कि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के विधानसभा क्षेत्र बल्लभगढ़ की जैन कॉलोनी की, तो यहां लगे कूड़े के अंबार से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि यहां से गुजरने वाले लोगों को मुंह पर कपड़ा बांध कर निकलना पड़ता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई बार नगर निगम में शिकायत लगाने के बावजूद भी समस्या का समाधान तक नहीं कर पा रहा है। वैसे क्या नाम है आपका? लोकेश नाम है जी मेरा। लोकेश कौन सी जगह है? जैन कॉलोनी है जी बल्लभगढ़ में। कितनी दिक्कत आ रही है सर? यहाँ बहुत परेशानी है, कूड़े की वजह से आवारा पशु भी हैं, बारिश के मौसम में भी बिल्कुल बहुत गंदा मौसम हो जाता है, ये पानी भर जाता है बहुत ज्यादा, ये गंदगी जो यहाँ पड़ी रहती है, और इधर नाला भी है साइड में वो भी पूरा गंदगी से भरा हुआ है। साफ सफाई होती नहीं? बिल्कुल सफाई नहीं होती, कंप्लेंट्स डालते हैं, जैसे आज डाल दी तो आज हो जाएगी, उसके बाद फिर यही हाल है। अच्छा, तो कौन सी जगह है ये? मुकेश कॉलोनी है, इधर ही जैन कॉलोनी है, इधर साइड में गंदगी का माल लगे हुए हैं, बच्चे आप साथ में लेके जा रहे, कितनी परेशानी? बहुत गंदगी है, अभी बारिश हुई थी इतना पानी भर गया था, यहाँ से निकला भी नहीं जा रहा था, और फिर से यहाँ पे इतनी गंदगी यहाँ यहाँ तक आ जाती है और निकलने का मन नहीं करता, बहुत बदबू आती है यहाँ पे, और बस क्या ही बताऊँ आपको, मैं तो रास्ता बदल के गई थी जब बारिश हो गई थी, यहाँ पे पानी भरा हुआ था, कूड़ा यहाँ तक आ गया था, निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, पैदल वाला तो निकल ही नहीं सकता। अच्छा, जब बारिश आ जाती है तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।